हेलो दोस्तों, एसेट कंपाउंडर एकेडमी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दिस इज प्रियंका सिंह। टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज हेजिंग। हेजिंग क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज हैं, हम हेजिंग कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज हेजिंग। हेजिंग का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है। हेजिंग इज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व टू ऑफसेट लॉसेस इन इन्वेस्टमेंट बाय टेकिंग एन अपोजिट पोजिशन इन ए रिलेटिव एसेट। मतलब हेजिंग जो है एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, जिसमें क्या करते हैं, मान लीजिए किसी भी एसेट में आपने इन्वेस्ट कर रखा है या किसी एसेट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी भी एसेट रिलेटेड कॉमोडिटी या कोई भी कंपनीज का या कोई भी स्टॉक्स का कर रहे हैं, तो आप एक अपोजिट पोजीशन लेते हैं ताकि ना जो आपका रिस्क है वो कम हो जाए, लॉस जो है आपका कम हो जाए, तो उसे ही हेजिंग कहते हैं। द रिडक्शन इन रिस्क प्रोवाइड बाय हेजिंग आल्सो टिपिकली रिजल्ट इन रिडक्शन इन पोटेंशियल प्रॉफिट। मतलब कि यही है कि अगर आपका जो रिस्क है रिड्यूस हो जाता है तो जो आपका प्रॉफिट है उसमें भी थोड़ा रिडक्शन हो जाता है, कि इतना ही प्रॉफिट होगा, रिडक्शन हो जाता है उसमें। हेजिंग स्ट्रैटेजी टिपिकली इन्वॉल्व डेरिवेटिव्स, मीन्स जो भी हेजिंग की स्ट्रैटेजी है वो हम डेरिवेटिव्स में ही यूज़ करते हैं, सच एज ऑप्शन एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जो भी हमारा ऑप्शन एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ही हम हेजिंग करते हैं। चलिए मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा, तो अगर आपको अपने घर को प्रोटेक्ट करना है तो आप एक इंश्योरेंस बाय करेंगे जो आपका घर फायर जो कोई भी डिजास्टर होगा उससे आपको बचा लेगा। तो जो हेजिंग भी है वो हेजिंग भी इस तरह का ही एक तरह का इंश्योरेंस ही है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट मैं आपको एक जनरल एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैसे हम हेज करेंगे। मान लीजिए कि जो अभी निफ्टी फ्यूचर है उसका प्राइस चल रहा है 70,350। आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो निफ्टी फ्यूचर है वो 17,500 तक जाएगा, तो आप क्या करोगे, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है तो आप क्या करोगे, ओटीएम कॉल को सेल कर दोगे और एक ओटीएम पुट को बाय कर लोगे। तो यहाँ पे जो आपका रिस्क है वो मैनेज हो जाएगा। ये हमने फ्यूचर में एग्जांपल हेजिंग एग्जांपल को समझा। नेक्स्ट मैं आपको ऑप्शंस को समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी स्टॉक है एक्स वाई जेड, उसका स्पॉट प्राइस चल रहा है 6,000, तो आप क्या कर रहे हो, बाय कर रहे हो 5,800 का कॉल बाय कर रहे हो, जिसका प्रीमियम 300 रुपीज़ है आपको पे करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप रिस्क मैनेज करना है, हेज करना है, तो आप क्या करोगे, एक कॉल सेल कर दोगे, 6,200 का कॉल आपने सेल कर दिया जिसका प्रीमियम 145 है, तो आपका यहाँ पे जो लॉस है रिस्क आपका मैक्सिमम 155 रुपीज़ का ही होगा, इससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं हो सकता। तो आपने समझा। चलिए मैं आपको एक पुट का एग्जांपल लेके भी समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने एक पुट बाय किया है, 6,200 का पुट बाय किया है जिसका प्रीमियम 250 है जो आपको रिसीव हुआ है, फिर आप एक पुट सेल कर दोगे, 6,000 का पुट सेल कर दोगे जिसका प्रीमियम 170 है, तो यहाँ पर जो आपका रिस्क है आपने कम कर लिया, मैक्सिमम आपको 50 रुपीज़ का ही लॉस होगा। तो आपने समझा कि हम कैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में हेज करते हैं, हेजिंग करते हैं और अपने रिस्क को मैनेज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हेजिंग, हेजिंग के क्या फ़ायदे हैं। हेजिंग लिमिट्स द लॉस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मतलब जो भी हेजिंग का जो ये प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो हमारा लॉस है वो लिमिट हो जाता है, कम हो जाता है। हेजिंग इंक्रीज लिक्विडिटी एज इट फैसिलिट इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन वेरियस एसेट क्लास। मतलब कि हेजिंग की मदद से क्या होता है, हेजिंग हमें प्रोवाइड करता है कि वो इंक्रीज कर देता है लिक्विडिटी को, और इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर हैं वो सारे क्लास ऑफ एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, हेजिंग रिक्वायर्ड लोअर मार्जिन आउटलेट एंड देयर बाई ऑफर अ फ्लेक्सिबल प्राइस मैकेनिज्म। हेजिंग जो है वो हमें लोअर मार्जिन आउटलेट प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, जो भी हमारा प्राइस है, हम जब लोअर मार्जिन पे करते हैं तो इसका प्रभाव प्राइस जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ये सारे एडवांटेज है हेजिंग। आज हमने समझा व्हाट आर हेजिंग। चलिए मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने आज समझा कि व्हाट इज हेजिंग। हेजिंग एक तरह का ना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है। डेरिवेटिव में हम हेजिंग का यूज करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। हमने एडवांटेजेस को भी समझा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।